एक्स्ट्रा टाइम। ऐसा क्या हुआ था कि नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन टीम का दौरा बीच में ही छोड़कर घर वापस चले आए थे? बात 1996 की थी और इंडियन टीम इंग्लैंड के दौरे पे थी। उस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जयवंत लेले। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है आई वॉज देयर मेम्बर्स ऑफ अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कि नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि टीम के कप्तान अजरुद्दीन उन्हें बात बात पर गालियां दे रहे हैं और वो भी बिना वजह गालियां दे रहे हैं। ये बात उनसे सहन नहीं हुई और वो चुपचाप अपने बैग्स पैक कर टीम को छोड़ के घर वापस चले आए। जब इस बात की तहकीकात करने के लिए जांच कमेटी बिठाई गई तो उस कमेटी में बीसीसीआई के उस समय के चीफ राज सिंह डूंगरपुर भी थे, आईएस बिंद्रा भी थे और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी थे। सिद्धू साहब को बॉम्बे बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या बात है कि आप छोड़ के चले आए टीम को बीच में। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मेरी गलती है, मैं बीच दौरे में टीम को छोड़ के घर वापस चला आया, आप जो सजा देना चाहते हो दे दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस मीटिंग में कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। जयवंत लेले साहब ने अपने किताब में लिखा है कि जब पहली मीटिंग विफल रही तो फिर जांच कमेटी ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने, स्पेशली सुनील गावस्कर ने, ये बताया कि क्योंकि सिद्धू साहब पंजाबी बोलते हैं तो कोई पंजाबी बोलने वाला क्रिकेटर इस जांच कमेटी में शामिल किया जाए जिससे कि वो सिद्धू साहब से अपने घरेलू भाषा में बात कर सके, उनसे दोस्ती कर सके और असली बात क्या है वो निकाल सके। इसके पहले उस समय की इंडियन टीम के मैनेजर नागराज, कैप्टन अजहर, फिजियो अली ईरानी, इन सब को बुलाकर पूछा भी गया कि कोई ऐसी वैसी बात हुई थी क्या आप लोगों में, लेकिन किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि सिद्धू साहब ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और वो टीम छोड़कर चले क्यों आए वापस घर, वो भी बीच दौरे से। खैर, जांच कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई, इस बार नई दिल्ली में, और सिद्धू साहब को ताज पैलेस होटल बुलाया गया। वहां उनको पहले तो सभी लोगों के रिकॉर्डिंग्स दिखाए गए जिसमें टीम के कैप्टन थे, फिजियो थे, मैनेजर थे, बाकी प्लेयर्स थे, और उनको यह विश्वास दिलाया गया कि कोई भी उनके अगेंस्ट नहीं है टीम में, किसी का कोई बैर नहीं है उनके विपरीत टीम में। इस बार जांच कमेटी में मोहिंदर अमरनाथ भी थे, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी सिद्धू साहब का वही रवैया था और उन्होंने कहा, जी मेरी गलती है, मैं टीम छोड़ के चला आया, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। अब मोहिंदर अमरनाथ गुस्सा हो गए, मामला गर्म हो रहा था। ये देखते हुए राज सिंह डूंगरपुर ने एक तरकीब सोची और कहा, चलो एक ब्रेक लेते हैं, और जैसा प्लान किया गया था उसी हिसाब से मोहिंदर अमरनाथ को इशारा किया कि सिद्धू साहब को अलग ले जाके बात किया जाए। मोहिंदर अमरनाथ ने सिद्धू साहब का हाथ पकड़ा और उनसे पंजाबी में कहा कि चलो जरा घूम के आते हैं। 20 मिनट के बाद जब मोहिंदर अमरनाथ और नवजोत सिंह सिद्धू वापस आए तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि मोहिंदर अमरनाथ नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ थामे हुए हैं और खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। उसके बाद मोहिंदर अमरनाथ ने बाकी के जांच कमेटी के मेंबर्स से कहा कि इस बात को यहीं खत्म किया जाए, ये जो हुआ ये गलत फहमी की वजह से हुआ था, इसमें ना सिद्धू साहब का दोष है, ना ही अजहर का दोष है, ना ही किसी और प्लेयर का दोष है, बस इस बात को यहीं खत्म किया जाए और इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए। ये कहकर मामला डिसमिस कर दिया गया, नवजोत सिंह सिद्धू वापस अपने घर चले गए। जब वो चले गए तो बाकी मेंबर्स ने मोहिंदर अमरनाथ से पूछा कि आखिर बात क्या है। तब मोहिंदर अमरनाथ ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगा कि अजहर उन्हें बिना बात की गालियां दे रहे हैं और वो शब्द जो वो बोलते थे वो माँ की समथिंग समथिंग था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसे गाली समझा जाता है पर हैदराबाद में इसे गाली नहीं कहा जाता, बल्कि उसे कहा जाता है ऐसे शब्द जो कि बहुत अपना होता है और बहुत अजीज होता है। अब सिद्धू साहब अजहर के बहुत अजीज थे, इसलिए सिद्धू साहब को वो चलते उठते बैठते नेट्स में कुछ कहते हुए बिना बात के वही शब्द कहा करते थे। सिद्धू साहब को लगा कि ये गाली है, अजहर को समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। खैर, चीजें क्लियर हुई और उसके बाद इस घटना का जिक्र कभी नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि मना किया गया था इंडियन टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई की तरफ से कि इस बात को मीडिया के सामने ना लाया जाए क्योंकि फिर आग में घी डालने का काम हो जाएगा। खैर, सालों बाद जब सिद्धू साहब बहुत बीमार पड़े और दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में थे तो फिर उनसे मिलने कोई आया और ये शख्स
उनके पुराने दोस्त मोहम्मद अजहरुद्दीन ही थे। वो पहले एक क्रिकेटर थे जो नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने गए थे हॉस्पिटल में। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले तो मना कर दिया कि कोई भी उनसे मिल नहीं सकता, लेकिन फिर जब अजहर ने कहा कि मेरा भाई अंदर है और मैं उसका भाई हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो फिर सिद्धू साहब के परिवार की मदद से वो अंदर गए और सिद्धू साहब से मिले। आज भी दोनों की दोस्ती कायम है। तो इसलिए आप भी दोस्तों के बीच कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्ती कायम रहनी चाहिए। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.